देवकी ससुराल को चली, बहुत रोई। एक बात और बताऊं, पहले की बिटिया बहुत रोती जब ससुराल जाती थी, अब जब पढ़ी लिखी ना रोती, अब तो गाड़ी में बैठी टाटा बाय बाय गई। आज बहुत रोई देवकी, काए को ब्याह दई विदेश ओ भैया, सफर है। कंस ने गोद में लिया अपनी बहन को, रथ में बिठा दिया। हाथ में नंगी तलवार लेकर सफेद घोड़ा पर सवार होकर बहन को विदा करने लगा। रथ निकल पाया भक्तो, एकदम से स्वर्ग में गड़गड़ाहट की आवाज हुई, बोधराज कंस कंस ऊपर देखने लगा, कौन हो तुम? जवाब दिया देवताओं ने, मैं तेरा शुभ चिंतक हूं, कहना क्या चाहते हो? जवाब दिया, जिस बहन को इतनी शाही से विदा कर रहा है, इसके काले पर्दे में तेरी मौत मुस्कुरा रही है, मौत। मतलब और इसी के साथ साथ में हमारे गुरुदेव को गले में फूलों का हार डाल के सम्मानित करते हैं। मनोज यादव बंधारा, मोनू यादव, रानू यादव प्रधान बंधारा, असित पाल, गोलू पाल, अतुल यादव, गगन शर्मा, विकास बंधारा से ये हमारे गुरुदेव जी को सम्मानित करते हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति दे। साथ के लिए की माला साथ के लिए की माला है गुलाब के फूलों की, और साथ में कुछ मुद्राएं भी देंगे। सुखी रहो।
सुखी रहो। और ये मनोज यादव इसी ग्राम बनारा से हमारे गुरुदेव को 500 रुपए देकर सम्मानित करते भगवान कन्हैया सुख शांति। इधर आके बाजा उल्टू करते जब बाल गिर पड़ा है बहुत उल्टा कर। मेरे भाइयों आवाज आ रही है, इसका आठवां बेटा तेरा काल है। देवता कहकर खिसक गए मेरे भक्तों। कंस को इतना भयंकर क्रोध आया कि रथ के पहिया जमीन में धसक गए, नहीं घोड़ा पे से उतर पड़ा और अपनी बहन को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। यही है वो नागिन जिससे सपूला पैदा होगा? नहीं, हम नागिन को नहीं रखेंगे तो सपूला पैदा कहां से होगा? और पापी कंस ने अपनी बहन के बाल पकड़े और रथ में से बाहर पटक दिया। समझिए लोगों, जिन पैरों में महाबल, जिन हाथों में मेहंदी,